हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जेएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी, और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या कहा हुआ है, एक डिक्शनरी गिवन होगी, कैमल केस वर्ड्स उसके अंदर होंगे। कैमल केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम शुभम कश्यप है, तो शुभम कैस कैपिटल, कश्यप का के कैपिटल, दोनों को जोड़ दो, कैमल केस बन गया, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रिंट ऑल वर्ड्स इन लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर फ्रॉम द डिक्शनरी डैट मैच द पैटर्न। एक पैटर्न गिवन होगा, ये रहा हमारे पास स्ट्रिंग पैटर्न में, ठीक है। जो भी वर्ड उस पैटर्न को मैच करेगा, अब मैच कैसे करेगा वो मैं आपको बता दूंगा, जो भी मैच करेगा वो मेरा आंसर में आएगा। उनको लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में मेरे को प्रिंट करना है, मतलब एक तरह से स्ट्रिंग में पाके, वेक्टर स्ट्रिंग में पाके रिटर्न कर देना है, प्रिंट अपने आप अपना मेन फंक्शन कर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पैटर्न है डब्ल्यूटीजी, पैटर्न हमेशा अपर केस में होगा। यहाँ पर देखो कैमल केस में जो भी अपर केस है, मतलब किसी भी वर्ड में जो भी अपर केस है, डब्ल्यू टी जी किसी में मेरा स्टार्टिंग में आता है नहीं, बाद में जो मर्जी आता रहे उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसका मतलब हाँ भाई वो मेरा पैटर्न को मैच करता है। जैसे बात करें वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, इसमें डब्ल्यू वेलकम में, टी टू में, गीक्स में जी, डब्ल्यू टी जी आ गया, इसका मतलब ये मेरा आंसर में आ गया, ठीक है। बाकी किसी में नहीं आता तो कोई आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं, इसके अप्रोच देखेंगे, फिर इसको कोड करें। अब जो मेरे पास एग्जांपल है सबसे पहले मैं उसको ही लिख लेता हूँ। अब मैंने अपना एग्जांपल लिख लिया, ये मेरा हो गया पैटर्न। अब देखो मेरे को लोअर केस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपर केस देखने हैं। इसमें मेरे पास जो अपर केस आएंगे, एक तो वेलकम का डब्ल्यू, एक गीक का जी, इसमें क्या क्या आएगा, डब्ल्यू फिर टी, टू का टी, फिर गीक्स का जी, फिर फोर का एफ, फिर जी, इसमें मेरे पास गीक्स फोर गीक्स, ठीक है। पैटर्न मेरा सिर्फ इससे मैच हो रहा है और किसी से मैच नहीं हो रहा, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो मेरे आंसर में आ जाएगी। अब देखो मेन पंगा क्या है, हमें क्या करना है, एक तो अपने पास ऑप्शन आता है ट्राई यूज करने का, एक मेरे पास आता है ब्रूट फोर्स का। हम सिंपल ब्रूट फोर्स यूज कर रहे होंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहने वाली है दोनों की, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ट्राई वाले की अपनी ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको हल्का सा उसका ओवरव्यू दे दूंगा, चाहते हो तो कमेंट कर देना, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी ब्रूट फोर्स कैसे वर्क कर रही होगी, ठीक है। हमें डब्ल्यू टी जी से मैच करना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना डब्ल्यू टी जी, इसको मैच करना है हर एक स्ट्रिंग को, जो मैच होगी उसे आंसर में लेना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे को हर एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और मेरे को हर एक स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को भी ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वेलकम गीक को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, वेलकम गीक, स्मॉल करेक्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मेरे को अपर केस देखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आया, इसको मेरे को मैच करना है, W से W अपर है, W से W मैच हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे को मैच करना है टीम, आगे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, नेक्स्ट अपर मिला मेरे को G, मतलब W T G मैच नहीं हुआ, T की जगह मेरे को G मिल रहा है, ये मेरा आंसर में नहीं आएगा। अगली बारी आती है वेलकम W L C O M, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। चलो जी W से इसको हर बार जीरो पर सेट कर देंगे, इंडेक्स पर डब्ल्यू से डब्ल्यू मैच, चलते गए अगला पर मिला टी से टी मैच, चलते गए अगला पर मिला जी से जी मैच, फिर देखा हमारे ये सारे मैच हो गए, आउट ऑफ बाउंड हो गए, इसका मतलब आगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपना आ गया भाई आंसर में। ऐसे ही सिमिलरली गीक्स फॉर गीक्स के साथ करेंगे, गीक्स फॉर गीक्स में जब हम जी से डब्ल्यू मैच करेंगे तभी मैच नहीं होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, जैसे ही लूप से बाहर आएंगे हम देखेंगे हमने इसको तो पूरा ट्रैवर्स करा ही नहीं, ठीक है, डब्ल्यू से ही हम बाहर आ गए, पूरा ये मैच हुआ ही नहीं, इसका मतलब गीक्स फॉर गीक्स भी आंसर में नहीं आएगा। तो अगर इसकी मैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, इस मेथड की अपनी क्या बनकर आने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सिंपल बनकर आने वाली है, हम हर एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं और स्ट्रिंग को भी पूरी पूरी ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो एन तो मेरा जो डिक्शनरी का साइज है वो क्रॉस एस, एस का रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की लेंथ, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। जितनी भी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऐसा हो सकता है सारी उसी स्ट्रिंग उसी लेंथ की मेरे पास स्ट्रिंग हो तो उनके हर एक करेक्टर को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो मेरी बात सुनो, हमें जो एरे रिटर्न करना है वो तो रिटर्न करना है, उसको आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उससे अलग कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे। तो फन बात करें ट्राई की, ट्राई में आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्राई डाटा सेट बनाओगे, जब आप ट्राई बनाओगे ना तभी आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तभी लग जाएगी एक तो, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम हो गई। और देखो लास्ट में आपको लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर भी चाहिए तो उसके लिए आप सॉर्ट भी कर रहे होंगे, इन्होंने सॉर्ट अपने आप मेन ब्लॉक में कर रखा है, सी प्लस प्लस में, जावा में नहीं कर रखा। जावा में आपको चाहे ट्राई यूज करो कुछ भी यूज करो, सॉर्ट अपने आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो
ट्राई में आप क्या करोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया स्पेस आप यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले आप 26 साइज की अपनी रूट नोड बनाओगे, फिर जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले वेलकम आया तो फिर W के नीचे आप 26 साइज का लगाओगे। ऐसा हो सकता है जो ये 26 साइज का एरे बने, हर एक के नीचे, हर एक करेक्टर से मेरे पास कोई स्ट्रिंग शुरू होती हो, सबके नीचे मेरा 26 साइज का एक एरे लगे, ठीक है। तो एक उसकी वेरिएबल आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी, ठीक है। 26 के नीचे 26, फिर उनके नीचे भी हो सकता है 26 साइज का एरे लगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं हो रहा है, तो हम इस मेथड को यूज कर रहे होंगे। अब जाते हैं, करते हैं इसको कोड। तो सबसे पहले तो मेरे को वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को तो अपना लेना ही पड़ेगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर नाम से। उसके बाद मेरे को क्या करना है, और ऑटो एक्स फ्रॉम डिक्शनरी, DICTIONARY डिक्शनरी में से हर एक स्ट्रिंग को उठाना है। एक क्या करता हूँ, मैं जे पॉइंटर ले लेता हूँ अपना जीरो से, जो मेरा किस पर चलेगा, पैटर्न पर। पैटर्न का जो W होगा उस पर पॉइंट कर रहा होगा ये। अब मेरे डिक्शनरी में से जो वर्ड आएगा, पूरे पूरे वर्ड को मेरे को ट्रैवर्स करना है। लो भाई साहब, पूरे पूरे वर्ड को अपना ट्रैवर्स कर लेते हैं, DICTIONARY डिक्शनरी ऑफ आई डॉट लेंथ, ठीक है। जो भी उसकी लेंथ है पूरे को ट्रैवर्स कर लेंगे। अगर ऐसा होता है कि मेरा k लेस देन है पैटर्न की लेंथ से, ठीक है, तभी मैच करेंगे, वरना मैच करने का कोई फायदा ही नहीं है, जब मेरा k आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। एंड मेरा जो DICTIONARY डिक्शनरी ऑफ आई ऑफ j, डिक्शनरी ऑफ आई ऑफ, सॉरी यहाँ पर आएगा मेरे पास, मैंने ऊपर आई नहीं, मैंने ऑटो लूप लगाई हुई है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल एक्स ऑफ आई, बस यहाँ पर मेरे पास अपने आप करेक्टर आ जाएगा, अगर वो इक्वल इक्वल आता है किसके, PAERR पैटर्न ऑफ जे के, ठीक है। अगर वो इक्वल आ जाता है तो मतलब पैटर्न का वो करेक्टर मेरे को मिल गया, नेक्स्ट करेक्टर और मूव कर जाओ, उसको मैच कर लेंगे। अब देखो जब लोअर केस आएगा ना आपका किस में, एक्स में, तो वो मैच ही नहीं होगा यार, क्योंकि पैटर्न में मेरे पास अपर केस है, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की उसकी जरूरत नहीं है। अब अगर आपकी इफ नहीं चलती, दो केस बन सकते हैं आपकी इफ ना चलने के। एक केस क्या बन सकता है आपका, के जो हो जाए वो पैटर्न की लेंथ के इक्वल हो जाए। एक केस आपका क्या बन सकता है कि ये आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। तो मेरे को एल्स इफ में आके चेक करना है, अगर ये आपस में इक्वल नहीं हुए तो मेरे को चेक करना है क्या पैटर्न ऑफ जे, जो क्या एक्स ऑफ आई, मतलब जो मैं वर्ड मैच कर रहा हूँ, क्या उसका जो करेक्टर जो इक्वल नहीं हुआ, क्या वो अपर केस है। इज अपर UPPER, इज अपर क्या एक्स ऑफ आई है, अगर है तो ब्रेक मार दो, ठीक है। ऐसा क्यों, मेरे पास मान लीजिए WTG है, यहाँ पर आ जाता है मेरे पास हेलो, वर्ड जो आ जाता है वो हेलो आ जाता है, ठीक है। अब वर्ड मेरे पास हेलो आ गया, सबसे पहले आपने इसको और इसको मैच करा, आपका मैच नहीं हुआ, आप यहाँ पर आए, एक्स ऑफ आई इक्वल नहीं हो पैटर्न ऑफ जे के, आप एल्स इफ में जाओगे, आपने क्या चेक करा, क्या एच मेरा कैपिटल है, एच कैपिटल है, इसका मतलब मेरे को कैपिटल लेटर को ही तो देखना है, इसका मतलब मेरा ये वाला हेलो तो आंसर में आने का ही नहीं, तो मैं ब्रेक मारकर अपने आप बाहर आ जाऊंगा। फिर मेरे को सिंपल बाहर आकर क्या चेक करना है, क्या मेरा के आउट ऑफ बाउंड, क्या मैं पूरे पैटर्न को ट्रेवर्स कर चुका हूँ या नहीं। अगर मैं पूरे, अगर मेरा के इक्वल इक्वल है, स्मॉल के है, ए इक्वल इक्वल है PAERR पैटर्न डॉट लेंथ के, इसका मतलब पूरे पैटर्न को ट्रेवर्स कर चुका हूँ मैं, पूरा पैटर्न मेरे को मैच हो भी गया है, तो आंसर में क्या कर दूंगा मैं, पुश बैक, जो भी मेरा करंट वर्ड है वो, ठीक है, ये पुश बैक हो गया, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा RETURN रिटर्न आंसर। अब सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है आपको दिखा देता हूँ मैं, इन्होंने अपने आप देखो यहाँ पर सॉर्ट करा हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसको एक बार आपको मैं चला कर भी दिखा देता हूँ, सबमिट पहले रन कर लेते हैं, फिर सबमिट कर लेंगे यार बाद में, ठीक है। कहीं पर आ रहा है के वाज नॉट डिक्लेयर्ड, अरे यार जे लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर जे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जे ले लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर भी जे आएगा, अब चला कर देखते हैं इसको, नहीं चल रहा भाई, सबमिट करते हैं इसको, फिर लिखेंगे इसका जावा कोड। कहीं पर आ रहा है देख लेते हैं, कहाँ पर आ रहा है भाई, जब कोई आंसर ना हो तो माइनस वन रिटर्न कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आंसर की लेंथ, आंसर का साइज इक्वल इक्वल आता है जीरो, तो उसमें क्या आंसर में पुश बैक कर दो स्ट्रिंग की फॉर्म में माइनस वन, ठीक है, सबमिट कर लो इसको भी, ये भी अपना सबमिट हो गया। अब चलते हैं इसके जावा कोड पे, पहले यहाँ पर एरे
लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, आंसर के नाम से न्यू अरे लिस्ट लॉजी बनेगी। उसके बाद फोर, ठीक है जी, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई डिक्शनरी डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। उसके बाद फोर इंट जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन टी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई डिक्शनरी ऑफ आई डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं अपना के, क्योंकि आई जे हम लूप में ले चुके हैं जो पैटर्न को मैच करने के लिए है। इफ के इज लेस देन किसके, पी ए डबल टी आर एन ई आर एन पैटर्न डॉट लेंथ के है। एंड मेरे पास क्या है, डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई डिक्शनरी ऑफ आई ऑफ जे इक्वल इक्वल है पैटर्न ऑफ के तो के प्लस प्लस। एल्स इफ अगर मेरे पास ऐसा होता है कि डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई डिक्शनरी ऑफ आई ओ जी अगर अपर केस है, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू है ए के, एंड डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई डिक्शनरी ऑफ आई ऑफ जे लेस देन इक्वल है किसके, कैपिटल जेड के, मतलब अपर केस ही आई और जेड के बीच एग्जिस्ट करता है, बहुत इंक्लूसिव। तो भाई क्या कर दो, ब्रेक मार जाओ, ठीक है। अगर ऐसा होता है के इक्वल इक्वल हो जाता है पैटर्न डॉट लेंथ के, इसका मतलब मैं पूरे पैटर्न को ऊपर मैच कर चुका हूँ। आंसर में ऐड कर दो क्या भाई, डी आई सी टी आई ओ एन ए डिक्शनरी ऑफ आई, ठीक है, जो भी वर्ड था वो ऐड कर दिया। अगर ऐसा होता है आंसर डॉट इज एम्प्टी, अगर आंसर मेरा होता है इज एम्प्टी, तो मेरे को क्या कर देना है, आंसर में ऐड कर देना है स्ट्रिंग की फॉर्म में माइनस वन, रिटर्न कर देना है आंसर को। अब यहाँ पर देखो मैं आपको शो कर देता हूँ, इन्होंने अपने आप यहाँ पर देखो आप सॉर्ट नहीं किया हुआ है, तो भाई अपने आप सॉर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सी ओ डबल एल सी ओ डबल एल ई सी टी आई ओ एन एस तो करते हैं ओके, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, आंसर को सॉर्ट भी कर दिया। इसको भी आपको एक बार चलाकर दिखा देते हैं, कोई एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है जी, एरर इसमें ये है भाई, यहाँ पर स्ट्रिंग है तो भाई कैरेट आएगा, सीपीपी की ज़्यादा आदत हो गई है हमें, ठीक है जी। यहाँ पर आएगा जे, सॉरी, सेम यहाँ पर भी कैरेट के, ठीक है। यहाँ पर आते हैं भाई, यहाँ पर भी डॉट कैरेट जे, इसको ही कर देते हैं कॉपी, यहाँ पर आकर इसको ही कर देते हैं पेस्ट। एक बार चला कर देख लेते हैं अगर कोई एरर आएगा तो, नहीं चल रहा है, इसको भी सबमिट कर देते हैं गाइस। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो अच्छी लगता है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।